हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा टूडे क्लास एंड ब्लॉग्स। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कह सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम हो, वह उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले, व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट होता क्या है आप जानते ही हो। एवरी लीगल और इलीगल अल्फ़ाबेट विच इज़ अपीयर ऑन योर सी लैंग्वेज, दैट इज़ योर कैरेक्टर सेट। मीन्स हर वो लेटर और सिंबल या डिजिट जो आपके सी लैंग्वेज में अपीयर होती है, मीन्स यूज होती है, दैट इज़ योर कैरेक्टर सेट। वो आपका कैरेक्टर सेट होता है जिसकी रेंज होती है कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड 0 to 9। इसमें क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। और क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल, एट द रेट, हैश, कोलन, सेमी कोलन, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर सेट। देखिए, मैं एग्ज़ाम में प्रॉपर सॉरी मीन्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, बट कुछ क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर, व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग अ वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? तो आपको पता ही है, फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए और किसी भी नाम के आगे, मतलब कोई भी नेम हो उसमें कॉमे का यूज़ नहीं करते, ओनली किसका यूज़ करते हैं? अंडरस्कोर। और जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 8 to 40 कैरेक्टर्स होती है, ठीक है, ये इसके रूल्स होते हैं। और फर्स्ट लेटर आपको पता ही है क्या होगा? अल्फ़ाबेट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट बाय विच डिजिट और सिंबल वी स्टार्ट दी वेरिएबल नेम। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट। जैसे मैं लिखा स्टूडेंट, तो एस आया, स्टूडेंट के आगे वन नंबर तो मैं बाद में लिख सकती हूँ बट स्टार्टिंग में नहीं लिख सकती, ठीक। उसके बाद, व्हाट इज स्टैक? दिस इज नॉट इन योर कोर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं ले रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये आएंगे, बट प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, तो उसी का ये पार्ट है। स्टैक, ये किस पे बेस्ड होता है? ये आपके लीफो पे बेस्ड होता है। इट इज़ द प्रोसेसर विच इज़ बेस्ड ऑन लीफो एंड द फुल फॉर्म इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले रिमूव होगा और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। सपोज आप किसी असेंबली में खड़े हुए हैं, असेंबली में अगर आपकी टीचर आपसे कहे कि उससे जो लास्ट वाला स्टूडेंट है वो जाना शुरू करे, तो वो सबसे बाद में आया, ठीक, लेकिन वो क्या जाएगा? सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इन, इससे याद कर लो, लीफो मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अगर आपसे कहें खाली डेफिनेशन, तो बस आपको यही बताना है कि इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट इज बेस्ड ऑन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया था, एक तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वेरिएबल, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा एरे, एरे की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन ऑफ 1D एंड 2D विद एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो आप बताएंगे, क्लियर। उसके अलावा एल्गोरिथम के अलावा आपका फ्लो चार्ट, इनकी सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले जो लास्ट 2020 का पेपर आया था उसमें फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आया था किसी भी टेबल को, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था ये, पर 9th में आपको पढ़ा हुआ है, आप उसमें कर सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस विच इज़ स्टोर्ड इन योर सीट लाइब्रेरी, दैट इज़ योर लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिक के अलावा स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ठीक है, और मैथमेटिक्स, ये आपके क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। इसमें खैर ज़्यादा डीप में आ भी सकता है नहीं भी, वो मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके अलावा सी लैंग्वेज की विशेषताएं, मीन्स फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस विद यू फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? सर्चिंग और शॉर्टिंग, ठीक है, सर्चिंग क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, ये आप कर लीजिए। और देखिए, ये मैं सिर्फ आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि एग्ज़ाम में आएगा, मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में आपसे पहले कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सिर्फ वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके अलावा अगर मैं बैक पेपर में जाऊँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवरऑल शुरू से स्टार्टिंग से लेकर चलती जा रही हूँ, मतलब जो मेरे को याद आता जा रहा है। देखिए, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी और सिर्फ मेरे दिमाग में आया कि चलो एक छोटी सी वीडियो डाल देती हूँ, तो बस मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ, क्लियर।
उसके अलावा हाँ मैंने ये क्वेश्चन बेसिक फोर बेसिक एलिमेंट्स ठीक है, किसके, सी लैंग्वेज के बेसिक फोर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम बनता है। तो आपको पता है कि तो डेटा टाइप होती है आपकी, उसके अलावा आपका वेरिएबल, ठीक, उसके अलावा वेरिएबल के अलावा आपके ऑपरेटर्स जो आप यूज़ करते हो, मीन्स लॉजिकल है, रिलेशनल है, आपके फोर टाइप्स के हैं, ऑलरेडी डिस्कस विद यू, जिसने नहीं देखी मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, और आपके क्या कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपके बेसिक फोर एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहें व्हाट इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर चाहे वो डिजिट हो, लेटर हो, सिंबल हो, दैट इज़ योर कैरेक्टर। और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ योर स्ट्रिंग, और वो हमेशा किस में होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लॉजिक गेट्स के बारे में, तो लॉजिक गेट्स के बारे में मैंने बता ही दिया है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, आता ही है। ट्रुथ टेबल, मैं सिर्फ आपको एक छोटे छोटे टॉपिक, एक मतलब कहते हैं ना क्विक रिव्यू, वो लेकर चल रही हूँ। लॉजिक गेट्स में आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें किसी का भी आ सकता है, नैंड का आ सकता है, नोर का बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है, आपको पूरा क्वेश्चन करना है। ट्रुथ टेबल क्या होती है, यस, व्हाट इज वीडीयू, क्वेश्चन हो सकता है, वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस बाय विच वी कैन गेट एन आउटपुट। जो आपके यहाँ मोनिटर होता है, देखिए दो टाइप के होते थे आपके, एक तो था CRT कैथोड रे ट्यूब और एक TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो वीडियो वही इसी का एग्जाम्पल है TFT का, और पूछा जाए कि व्हाट इज वीडियो, 2020 में क्वेश्चन आया था, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट इज़ अ आउटपुट यूनिट बाय विच वी कैन व्हाट आउटपुट। उसके बाद सर्चिंग शॉर्टिंग बता चुकी हूँ, यस, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये कर लीजिएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, और जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, आपको पता है टू टाइप्स का होता है, ओरल और रिटन, मौखिक और यही सब हिंदी में बता देती हूँ। देखो पेपर आपका दोनों में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कन्वर्जन आता है लेकिन पेपर सेम होता है, क्लियर, ये कर लेंगे। उसके बाद सबस्क्रिप्ट आ रहे, ये चैप्टर सबको बहुत टिपिकल लगता है, जबकि टिपिकल है नहीं, एक तो कोविड की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई कॉलेज में, तो इसीलिए बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इतना वैसे टिपिकल नहीं है। और इसमें हम क्या करें, कोविड आ गया तो आप लोगों की क्लासेस नहीं हुई, सभी बच्चों ने जिस तरीके से उनको पॉसिबल हुआ उन्होंने क्लास अपनी अटेंड करी, तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो करें उसको मन लगा के करें, अच्छे से करें, और जो आप कर रहे हैं उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, ताकि जो आपने किया है वो आपको याद रहे, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद नंबर सिस्टम मैंने आपको कराया हुआ है, वो आ सकता है नंबर सिस्टम, यस, व्हाट इज़ वी आई एडिटर, टेक्स्ट एडिटर आपको पता ही है, ठीक है। लाइनक्स के बारे में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, डॉगी को भोगने की आवाज़ आ रही है और इसी आपको आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और इसके अलावा क्या हो सकता है, मैंने कुछ हाथ में लिया हुआ तो है नहीं, अब उठा रही हूँ बुक, ज़रा देखती हूँ और क्या हो सकता है आपके लिए, तो कमांड्स आपके में है नहीं, डेस्कटॉप वाला चैप्टर हट चुका है आपका, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, यस, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इसको पढ़ लीजिएगा। गाइडेड जिसमें आप किसका यूज़ करते हैं, वायर का, और अनगाइडेड जिसमें किस वायरलेस होती है, एग्जांपल आपको पता ही है, गाइडेड के ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सिबल, और इसके वायरलेस, सॉरी ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सीखे ही हैं, ठीक है। उसके अलावा तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पता ही है, ये तो आप अच्छे से कर ही लोगे, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क आ सकता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो, काफ़ी टाइम से मैं इसको पढ़ाती आ रही हूँ। और देखिए प्रीवियस ईयर तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग कर ही लेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जो प्रीवियस जो चैप्टर है आपका वो आप अच्छे से जानते हो, है ना, और आपने अच्छे से वो नाइन्थ में ही पढ़ा हुआ है। बेसिकली जो आपको दिक्कत हो रही है वो ये जो आपका एरे हुआ और आपका स्ट्रिंग फंक्शन और फाइल ऑपरेशन, इसमें से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वही है कि कोशिश कर रही हूँ उसी की आगे आपको वीडियो मिलती रहे। और आपसे कहूँगी आपके 24th अप्रैल से एग्ज़ाम तो हैं ही बोर्ड के,
बट आप प्लीज़ जो भी मैं वीडियो डालूँ उसे दो, मतलब मैं ज़्यादा लंबी नहीं डालती वीडियो, नियर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, आप बस उस फटाफट उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, दैट्स इट। आप मैं आपको पता है अब मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक मैं ओवरव्यू ले रही हूँ। आप सिर्फ अगर उन क्वेश्चंस को लिख लोगे तो जब आपका कंप्यूटर का पेपर होगा एटलीस्ट आप उस टाइम पर उनके आंसर्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी मेरे पास तो दिमाग में अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराई चुकी हूँ, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये कर ही लीजिएगा, ये आपको मालूम ही है। और एक पूछा जाए अगर लैपटॉप किस मतलब कैटेगरी में आता है, तो माइक्रो कैटेगरी में आता है, ये 4 टाइप्स की होती हैं आपकी, बताइए मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और माइक्रो, ये आपकी 4 टाइप्स की होती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए लैपटॉप किस में आता है तो आपके माइक्रो में आता है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं आपके उसमें आता है, क्लियर है। उसके बाद LSI आपकी एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो माइक्रो प्रोसेसर की तरह आपके कंप्यूटर में क्या होती है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, इट इज़ अ बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और डिजिटल कंप्यूटर्स जानते ही हो, विच इज़ बेस्ड ऑन 0 and 1, ठीक है, दैट आर कॉल्ड योर डिजिटल कंप्यूटर, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ऑलरेडी डिस्कस विद यू। और अब बस आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ रिप्लाई मी एंड कमेंट ऑन माई चैनल, ऑन माई वीडियो, और मैं कोशिश करूँगी हर उस टॉपिक पर जिस पर आप बोल रहे हैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ। अभी तक तो जितना भी आपने बोला था मैं सभी की वीडियो मतलब डाल ही दी है, मोडम क्या होता है जानते हो, मॉड्यूलेशन ड्यूमोडेशन विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, ओके, तो बस आप ये कर लीजिएगा। और कोई आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, इतना ही आज के लिए काफ़ी है, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।